महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा चुनाव के लिए आज भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सहित मायावती के कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि सबसे पहले यह सभी नेतागण संविधान चौक पहुंचे, जहां भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पित किया। उसके बाद यह सभी नेता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां नागपुर विधानसभा क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूर्व नागपुर से कृष्णा खोपड़े और दक्षिण नागपुर से मोहन मते ने नामांकन दाखिल किया। इस बीच कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर अपने शक्ति का प्रदर्शन भी किया। साथ ही संविधान चौक में डीजे और धमाल बैंड की धूमधाम में कार्यकर्ता अपने नेताओं का स्वागत करते नजर आए। नागपुर से कविता पारधी की रिपोर्ट। मैं भारतीय जनता पार्टी का हमारे सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर विश्वास जताया और छठी बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया है। और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, छठवीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी और नागपुर में हमारी सारी सीटें पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, मेरा विश्वास।